नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। जिन्हें जलील होने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो मुल्क है पाकिस्तान, और जो दिन रात अपने घर में दुबके रहते हैं वो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। मुल्क संभले न संभले किसे तकलीफ होगी। आवाम सड़कों पर भीख मांगे, इससे भी पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री इमरान खान को दुख नहीं होता। और कहीं भूले भटके वहां से विदेशी दौरे पर चले भी गए तो उनके पास एक ही मुद्दा और एक ही राग होता है, वो है भारत की आन बान और शान, खूबसूरत घाटी कश्मीर। इन दिनों नापाक मंसूबे वाले भाईजान इमरान खान अपनी 4 दिवसीय चीन यात्रा पर हैं, जहां इसके आखिरी दिन भाईजान अपने भाई और करीबी मुल्क चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। और यहां भी इमरान साहब ने बिना किसी तथ्य के बेतुके बयानबाजी करने के लिए चर्चा की। और आप बखूबी जानते हैं कि दहशत से मोहब्बत करने वाले ये दोनों मुल्क ने भारत का जिक्र जरूर किया होगा। ऐसे में इमरान साहब ने कश्मीर पर एक बार और बयानबाजी की, जिस पर चीन भी खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। बता दें कि चीन में इन दिनों बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों की चर्चा हो रही है। और आपको बता दें कि इसके उद्घाटन समारोह में गलवान सीमा विवाद में भारत चीन झड़प के दौरान शामिल चीन के सिपाही ने मशाल लेकर उद्घाटन की थी, जिसके बाद भारत ने चीन को सबक सिखाते हुए समारोह से बकायदा कन्नी काट ली और इसमें हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने आखिरी यात्रा के दिन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और एक बार फिर तथ्यहीन बात करते हुए यहां भी कश्मीर के लिए बेतुकी मानसिकता जाहिर की। चीनी पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा कि कश्मीर मुद्दा इतिहास में उपजा हुआ विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड सुरक्षा परिषद के इससे संबंधित प्रस्ताव और वित्तीय समझौते के आधार पर हल किया जाना चाहिए। इस बयान में आगे कहा गया कि चीन स्थिति को और पेचीदा करने वाले किसी भी एक तरफा कदम का विरोध करता है। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के ही एक निजी अखबार के मुताबिक इमरान साहब ने बीजिंग में चर्चा करते हुए ये भी जिक्र किया कि भारत में अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न हो रहे हैं और भारतीय कश्मीर में हो रहे अत्याचार पूरे प्रांत में शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। बता दें कि नापाक पाकिस्तान को काफी समय से दुनिया भर से जिल्लत मिल रही है। भारत के खिलाफ जब जब पाकिस्तान ने अपना मुंह खोला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी फजीहत हुई है। अपनी आदत से मजबूर इमरान खान ने इस बार भी अच्छा पैतरा आजमाया, लेकिन अफसोस इस मुल्क को बेहतर तरीके से पता है कि चीन के अलावा इनके पास रोना रोने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के करीबी और ताकतवर देश अमेरिका और रूस इमरान खान को लताड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बात यहां भारत के अभिन्न अंग की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।